मदन पाल जी, करुणा शंकर उपाध्याय, मेरे मित्र पांडे जी, चालू पांडे जी, राजेश्वरी सचदेव जी, वीरेंद्र याज्ञिक जी, सुशल राजगढ़िया, सुरेंद्र विकल जी और मेरे सभी दोस्तों, गत कई सालों से अमरजीत मिश्र जी जब ये कार्यक्रम करते हैं तो मुझे याद करके बुलाते हैं और मैं आता भी हूं। साल भर बहुत सारे काम करते रहते हैं, बहुत सारे आंदोलन कार्यक्रमों में होते हैं, ऊर्जा खत्म होती है, तो ऊर्जा पाने के लिए साल में एक बार जिस जब ये कार्यक्रम में आता हूं तो पूरी साल की ऊर्जा मिलती है। अरुण जी यहां पर आए हैं, रामायण सेंटर की बात निकली, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान में आया 2001 में मॉरिशस में ये पार्लियामेंट में प्रस्ताव आया था। आप सोचते होंगे रामायण सेंटर अगर पार्लियामेंट्री यूनानिमसली पास करते हैं तो शायद वहां हिंदू ज्यादा होंगे, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए 52% लोग हिंदू है मॉरिशस में, 30% क्रिश्चियन है और 18% मुस्लिम है। इसके बावजूद भी मेजॉरिटी से संसद में यह पास होता है कि मॉरिशस में रामायण सेंटर सरकार ने बनाना है, और सिर्फ बनता ही नहीं तो वो पास होता है। पास होने के बाद वहां पर अलग अलग टॉक शो, चर्चा सत्र होते हैं, लेजर एंड साउंड शो रेगुलरली होता है। जैसा अमरजीत जी ने कहा, हर घर में राम की मूर्ति है, इतना ही नहीं रामायण सेंटर में 5 साल से 15 साल के बच्चों के लिए हिंदू धर्म के वैल्यूज, राम की, भगवान राम के चरित्र के रिलेटेड वैल्यूज भी सिखाई जाती है। शायद इसीलिए ही मॉरिशस आगे बढ़ रहा है। थोड़ा दुख मुझे ये होता है जब हमारी कोई एक सरकार ये कहती है कि राम सेतु था ही नहीं और राम इस देश में कभी जन्मा ही नहीं, पीड़ा तब होती है कि हम में से बसे हुए, वैसे मॉरिशस और भारत लंबा नहीं है, मॉरिशस ये भारत के लोगों ने जाके बसाया है, मन में राम के बारे में भावनाएं लेकर वहां पर हमारे पुरखे गए हैं, तो मॉरिशस का और भारत का खून का रिश्ता है। मित्रों, इसी मॉरिशस ने अटल जी को उनके एक यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ के उपाधि भी दी है, राइट सर, उनके काम को देखकर। आज उस मॉरिशस से अरुण जी आए हैं, बहुत सारा काम उन्होंने खड़ा किया है और मुझे लगता है आज के कार्यक्रम को एक परफेक्ट अगर कोई हमें अतिथि मिला है तो उनके रूप में मिला है। अटल जी के बारे में मैंने क्या कहना, सूरज के बारे में कहने वाली बात होगी। अभी हमारे दो कवियत्री ने कहा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस देश को, इस देश में सबने मिलकर सरकार बनाना, इस देश में सबने मिलकर 25 पार्टी की, 27 पार्टी की मिलकर, सभी लोगों को मिलकर सरकार चलाना अगर किसी ने सिखाया होगा तो वो अटल जी ने सिखाया, कदम मिलाकर चलना होगा, ये उन्होंने सिखाया। मित्रों, एक बार मेरा एक दोस्त है अमूल मुजुमदार, रणजी क्रिकेट में क्रिकेट खेलते हैं। आप याद करिए, आज से 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती थी, हर बार जीतती थी। तो 4-5 साल के बाद में अमोल मुजुमदार इंडिया आए थे, वो खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया और मुझे मिले, तो मैंने उनको पूछा, अरे भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी बार बार क्यों जीतती है? उसने मुझे उत्तर दिया, विनोद जी ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में कोई लड़का अगर क्रिकेट खेल के घर आता है तो उसकी माँ उसको पहला सवाल ये पूछती है, तेरी टीम जीती या हारी? अगर वही माँ भारतीय हो
और बच्चा क्रिकेट खेल पे घर आए तो माँ पहला सवाल पूछती है, कितने रन बनाए तूने, सेंचुरी बनाई, कुछ विकेट लिए क्या? फर्क यहीं पर है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को हमारे देश में प्रायोरिटी दी जाती है और टीम वर्क पीछे जाता है। देयर कैन नॉट बी अ विनर इन अ लूजिंग टीम। अगर लूजिंग टीम ने भी किसी ने सेंचुरी भी मारी हो या 5 या 8 विकेट लिया है, फिर भी वो हारा ही है। ये टीम वर्क की वैल्यूज है, ये सच मायने में अगर अमल में किसी ने लाई है तो अटल जी ने लाई है। आप याद करिए वो 10 साल पहले का पीरियड, और तब से अभी तक, अभी ये पहली बार मोदी जी आए, नहीं तो हमारे यहाँ पर 20-25 पार्टियों की सरकार ही हुआ करती थी। ये हमारे ऐसे अटल जी, अटल जी का मन भी बड़ा था, यानी मैं जो बोल रहा हूँ कि जो बोला सो किया, यानी बोलना और करना इसमें फर्क नहीं है, कथनी और करनी में फर्क नहीं, उनका ही वाक्य है। उन्होंने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन बड़ा होना चाहिए। तो मुझे याद आता है भारत बांग्लादेश के वॉर में जब इंदिरा गांधी जी ने अहम भूमिका निभाई थी और बड़ी जीत दी थी, तो विरोधी पक्ष का नेता होने के बावजूद भी अटल जी ने यह कहा था, इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कह के पुकारा था। तो अपने विरोध वालों को भी इतनी बड़ी उपाधि देना और उनके अच्छे गुण को सराहना, इसके लिए मन बड़ा होता है। और इसीलिए अटल जी जैसे व्यक्ति कहते हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मित्रों, विजय में